होता ना, तुझे देने वाला वहां देगा। आप चाहते हैं कि आपकी कन्या सुखी रहे, तो अपने घर में आई किसी की कन्या को सुखी रखिए, आपकी कन्या सुखी रहेगी, उसे दुखी करने वाला कौन है। तो ये फूल को फूल है। तो जो साधु सेवा में तन मन धन लगाए वही सफल सार्थक है, वही आपका है। नहीं तो संसार में आपको घर घर में ऐसे मूर्ख का दर्शन हो जाएगा जो अपना सारा जीवन देकर कमाएगा और उस कमाई हुई संपत्ति का आप जाने पीछे वाले उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। धन की तीन गति बताई है शास्त्र ने। धन की उत्तम गति क्या है? धन की उत्तम गति यह कि धन सत्कार्य में लग जाए, नाती पोतों के हाथ से नहीं, आपके अपने हाथ से। तो धन की उत्तम गति यह कि धन सत्कार्य में लगे। मध्यम गति यह है कि आप उपभोग कर लें उसे। और धन की निकृष्ट गति यह है कि आप तो कमाएं और संसार के लोग उसका दुरुपयोग करें। और प्राय करके ऐसा ही होता है, क्योंकि जब धन संचय किया जाता है, धन अपने साथ लोभ रूपी दुर्गुण लेकर आता है। एक सेठ जी हमसे कह रहे थे, बोले महाराज जी जब हमारे पास कुछ नहीं था तब तो हमारा बहुत मन करता था सेवा करने का। मेरे तब हमको लगता था कि अरे पास में साधन होता तो ऐसे भी कर लेते और वैसे भी कर लेते। आज सब कुछ आ गया तो ठीक है, आप जैसे किसी के कहने पर कर तो देते हैं, लेकिन मन में कोई उत्साह नहीं होता। बिल्कुल ठीक ऐसी स्थिति है। धन सेवा में लगाने का मन तभी तक करता है जब तक धन पास न हो। धन अपने साथ अनेक दुर्गुण लेकर आता है। इसीलिए तो जब रैदास जी महाराज पर कृपा की ठाकुर जी ने, पारस मणि दी, उन्होंने कहा भाई इसको तो देखना भी हमारे लिए पाप है। आप प्रयोग करने की बात करते हैं, अरे ठाकुर जी स्वयं दे रहे थे, बोले लेकिन देखना भी पाप है। फिर ठाकुर जी ने एक और युक्ति निकाली, बोले भक्त को देना तो है। तो रविदास जी जिस भगवत विग्रह की सेवा करते थे, उस विग्रह के नीचे से रोज स्वर्ण की मुद्राएं निकलने लगी। तो रविदास जी क्या करते, चिमटा से उठाते मुद्रा, जैसे बिच्छू उठाया जाता है, ऐसे चिमटा से उठाते और गंगा जी में डाल देते और घर आकर अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो अब साचो कलयुग आयो। बोले अब सच्चा कलयुग आ गया है। बोले साधु आके पारसमणि देता है और बोले ठाकुर जी के चरणों से माया का प्रवाह बह रहा है। तो बोले भैया अब तो हम सीधे राम राम कहेंगे, अब भजन सेवा करने का समय नहीं रहा। अब ठाकुर जी को संकोच हुआ। तब ठाकुर जी ने कहा कि भैया तुम सच्चे भक्त हो, माया को सब जग भजे, माधो भजे न को, जो कदापि माधो भजे माया चेरी हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। कदापि माधव का भजन करके तो देखिए, माया चेरी भी होगी और केवल चेरी नहीं, माया चेरी होए। बहुत बार तो क्या होता है, घर की नौकरानी सिर पर बैठ जाती है। माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। साधु के पास जाते हो, कुछ भेंट करना हो, मस्तक पर थोड़ी धरते हो, चरणों में ले जाकर तो निवेदन करते हो। और उसके बाद भी साधु की स्वीकृति मिले न मिले, वो आपकी भेंट आपकी वस्तु स्वीकार करे न करे। तो जो आप अपने हाथ से सत्कर्म करें वही आपकी संचित संपत्ति है। अरे नाती पोतों से किसी का कल्याण होता है। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती और 100 रावण घर दिया न बाती। तुलसी बाबा कहने रहा न को रोवन हारा। आपका कल्याण होगा तो आपसे होगा। तो द्वार पर आए, संतों को देखा, तो मैं कह रहा था बुलाए से संत आए तो भी बड़ी कृपा, पर बिना बुलाए आए तो भगवान का असीम अनुग्रह जानना चाहिए। माने प्रभु आज आप पर इतने प्रसन्न हुए तभी अपने किसी निज जन को आपके निकट भेजा है। संत जब एक एक कौर पाता है, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात,
जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। और तुलसी बाबा तो बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, बोले अंतर्यामी गर्वगत संत सुंदरी माँ है। बोले जैसे एक सुंदरी स्त्री के गर्भ में जो बालक होता है पाती स्त्री है, पुष्ट कौन होता है? गर्भ में पल रहा बालक। तो बोले अंतर्यामी गर्वगत, बोले ऐसे वो अंतर्यामी भी संत रूपी सुंदरी के हृदय गर्भ में रहता है, पाता संत है और संतुष्ट वो होता है। अंतर्यामी गर्वगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। तो द्वार पर आए, संतों का दर्शन किया, रोम रोम प्रसन्न आसन दिया, चरण पखारे और फिर संतों के चरणों में जाकर बैठ गए मौन। संत के सेवन की विधि बताते हैं कि जब संत घर में आए तो कैसा संत का स्वागत हो, कैसा संत का सत्कार हो। अभी तो आजकल तो क्या होता है कि खैर हम तो अपने आप को उस गणना में ही नहीं रखते, पर प्राय करके देखने में आता है कि किसी के यहां जाओ तो आज तो साहब बच्चों को ठीक से प्रणाम करना भी नहीं आता। और एक बात मैं आपको अपने अनुभव से और बड़े दृढ़ विश्वास से कहता हूं कि प्रणाम करना बहुत बड़ी कला है, जो लाख लाख बात बनाने से नहीं पाया जा सकता, वो केवल एक प्रणाम करके आप ले सकते हैं किसी से, यदि आपको झुकना आ जाए। और हमारे ठाकुर जी तो ऐसे केवल एक प्रणाम से संतुष्ट होने वाले हैं, कुछ नहीं है आपके पास। अंजुलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। प्रणाम करना बड़ी ऊंची कला है, ये बात तो मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूं। आपको भाव से प्रणाम करने वाला व्यक्ति बलात् आपके हृदय से शुभकामना और आशीर्वाद लेकर चला जाता है केवल एक प्रणाम करके। तो आज तो हम प्रणाम करना भी भूल गए, संत का सत्कार तो क्या करेंगे। अब आप मन में विचार करते होंगे कि भाई बिना बुलाए तो संत कभी आया नहीं, और हमारे जैसे तो बुलाने से भी नहीं जाते। तो बिना बुलाए आया नहीं, कैसे आए? प्रभु जब योग्य समझते हैं किसी को तब साधु सेवा का अवसर देते हैं। जब प्रभु को भरोसा हो जाए कि अब ये संत सेवा के योग्य हुआ है। और मैं तो सदा निवेदन करता हूं कि प्रभु की सेवा करना सरल है, सरल ही तो है। आज तो 10 बजे तक श्रृंगार नहीं हुआ ठाकुर जी का, पूछो तो क्यों, बोले आज तो संडे है इसलिए। अधीन है ना भगवान आपके, आप 56 भोग लगा दो तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आप 2 बताशे धर दो वो तो भी मुस्कुरा रहे हैं। कसौटी तो संत की सेवा में जाने पर होती है। कभी पूछेगा अनुभव सेवक लोगों का, हमसे बाद में सोना हमसे पहले जगना, और जरा सी कोई गलती हो जाए तो कितनी तारना, कितनी डांट, कितनी फटकार, और सब कुछ होने के बाद भी एक ही उत्तर दे सकते हैं बेचारे, जी महाराज जी। सरल नहीं है, आपको अपने दर्द को गला देना पड़ता है। इसीलिए तुलसी कह रहे हैं सबते सेवक धर्म कठोरा, बहुत ऊंची योग्यता चाहिए साधु की सेवा में आने के लिए। और मुझे लगता है कि जब भगवान असीम का अनुग्रह करते हैं, जब प्रभु को देने लायक और कुछ नहीं लगता अपने किसी नितांत प्रिय जन को, तब वो उसको संत की सेवा दे देते हैं। संत की सेवा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते तो संत की सेवा मिलती है। संत की सेवा भगवान की प्रसन्नता का फल नहीं है,
संत की सेवा साधन नहीं है कि आप करेंगे और भगवान प्रसन्न होंगे। प्रभु प्रसन्न होते हैं तो जीवन में साधु सेवा का क्षण आता है, साधु सेवा का अवसर मिलता है। हमारे सेवक जी महाराज ने तो लिखा है, राधा वल्लभ भजत भजी और भली भली सब हुए। भक्ति का मर्म ठहरता है कहां, जिनके ही ये बसत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव, पीवत रहो सब काल बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। मौन बैठे हैं संतों के चरणों में, संत ने भाव देख लिया, संत ने देखा कि हृदय का पात्र शुद्ध है, हृदय का पात्र परिपक्व है। संत तो किसान जैसा है, किसान होता है ना, उसे भूमि पर पग धरते ही अंदेशा हो जाता है कि भूमि की उर्वरता कैसी है। शकुन होता है संत को, किसान को, कि बारिश होगी या नहीं, उसे एक अंदेशा सा रहता है ऋतु का, काल का, मौसम का, अगर योग्य किसान हो तो। ऐसे ही संत भी यदि अनुभूति प्राप्त है, संत भी यदि मिला है प्रभु से, तो वो आपकी एक बड़ी साधारण सी चेष्टा से पहचान जाएगा कि आपके हृदय की भूमि तैयार है या नहीं। वो केवल आपके प्रणाम से जान लेगा कि आपके हृदय की पात्रता कितनी है। संतों ने देख लिया कि भैया दोनों भाइयों भैया सधे हैं, साधक हैं, हृदय का पात्र तैयार है। इससे पहले कुछ कहते तो कहा कि चलो कुछ क्षण प्रभु के नाम का कीर्तन कर लेते हैं। राधे राधे गोविंद, कंकर पत्थर बीनना पड़ता है, माखन सी कोमल हो जाए जो भूमि, तब बीज डाला जाता है। और ऐसे ही मन के उर अंतर के दोष का परिमार्जन हो जाए, इसके लिए एक ही विधि है, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। प्रेम से कहिए, राधे राधे
से आगमन हुआ। संतों ने भाव भरे स्वर में गुनगुनाया, चलत फिरत सुनियत रहो, जहां राधा एक बात तो है ही कि वृंदावन के रसिकों की बात कुछ और होती है, उनकी भाव भावना, उनके हृदय का लाड़ प्यार, उनका सहज सरस सरल स्नेह, वृंदावन की सुवास कुछ और है। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माहे बनानी। मैं तो कई बार चिंतन करता हूं कि हम केवल कोरा गाते हैं इन पंक्तियों को, और हम तो उन महापुरुषों में से हैं कि जो ब्रज में बनी कुटिया छोड़ के यहां डोलते हैं, तो हम तो केवल कोरा गाते हैं कि खाने को मिले रसिकों के टूक और पीने को जमुना का पानी, अब और कोई परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। तो जब इन पंक्तियों को गाते हैं तो एक भाव की एक अद्भुत सी सुवास आती है। आज वृंदावन से ही आना हुआ तो सुबह जब श्रृंगार आरती का दर्शन कर रहे थे तो अभी दर्शन खुला नहीं था, और एक वृद्ध व्यक्ति पुराने कुछ सवैये गा रहे थे, तो ऐसा भावोद्रेक हो रहा था उन शब्दों को सुन सुन के, तो मैं मन में यही विचार कर रहा था कि ब्रज के भाव का स्पर्श जिस शब्द को हो जाए, जिस चित्त को हो जाए, जिस मन को हो जाए, वो कुछ का कुछ हो जाता है। इस ब्रज की प्रीति रीति में कुछ विलक्षणता तो है। अच्छा महाराज वृंदावन से पधारे हैं तो वृंदावन की कोई बात सुनाइए। बोले वृंदावन तो आजकल सौभाग्य मणि से मंडित है। सो कैसे? यद्यपि वृंदावन आरंभ से ही भजन और भाव भूमि है संतों का, भक्तों का निवास स्थान है, वृंदावन की वीथियां सदा से भगवान के निज जनों के चरण रेणु से अलंकृत रही हैं, इसीलिए प्रभु अपने मुख से कहते हैं, मुक्ति से, पड़ी रहो यागल में, साधु संत चलिया, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जा। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और संतों ने, रसिकों ने प्रिया प्रीतम के युगल चरणों से यही कामना की है, सखी पद पंकज पराग कीजे महाराज, तृण कीजे वृंदावन वीथिन डगर को, पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरू मैं ब्रज की खो, पाए तिहारो किशोरी, छकी
श्री जी से सेवा की याचना तो बड़े थोड़े रसिकों ने की है। आप देखें रसिकों का मन कहां विश्राम पाता है। हमारे व्यास जी क्या कह रहे हैं कि बस बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजे, खग मृग पशु पंछी यावन के, बस चरण शरण रख लीजे, स्वामिनी विनय मान लीजे। पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरू मैं ब्रज की खो। संसार के सुख में भी भटकना है, ऐसा वृंदावन जहां की गलियों में भटकने में भी सुख है। रसिकों ने भटक भटक के डोल डोल के सुख पाया, नाच गाए रास ही मिले और बस वृंदावन व्यास, बस किसी भांति वृंदावनेश्वरी स्वीकार कर लें और वृंदावन का आश्रय दे दें। अच्छा, वृंदावन में रहना एक बात है और वृंदावन में बसना दूसरी बात। पहले तो रहना कठिन, आप अपना ले लो फ्लैट, जीवन भर फ्लैट ही वृंदावन वास करता है, तो पहले तो रहना कठिन। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है कोई। तो पहले तो रहना कठिन, फिर बसना, बसने की रीति क्या है जिसे वृंदावन वास कहा जाता है। It's not just residing in a home or in a flat or in a villa. In that Vrindavan is not Vrindavan Vas. Vrindavan Vas arthat bas ke Vrinda vipin mein itno bado sayan yugal charan ke bhajan bin nimish na dije jaan। वृंदावन वास की याचना क्यों की है रसिकों ने? दीजो वृंदावन वास निरखुशी राधा वल्लभ नाम, ये जोड़ी मेरे जीवन प्राण, निरखुशी राधा वल्लभ। तो बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजे जान। पलकन को जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, और ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। एक क्षण एक श्वास प्रिया प्रीतम के युगल चरणारविंद के स्मरण के बिना न जाए, सो वृंदावन वास है। तो वृंदावन में रहना कठिन, वृंदावन का वास दुर्लभ, और वृंदावन में मरण ये तो श्री जी की कृपा के बिना लगभग लगभग असंभव है। कितने महात्मा हमने देखे जीवन भर वृंदावन का वास किए और अंत समय धकेल देता है वृंदावन, कहीं वृंदावन का विश्राम नहीं मिलता। जिसे महाप्रभु कह रहे हैं सबसों हित निष्काम मति
वृंदावन विश्राम और श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो महाराज वृंदावन से पधारे हैं तो वृंदावन की कुछ बात कहिए, बोले वृंदावन के सौभाग्य का क्या कहना, स्वयं नित्य निकुंज बिहारी बिहारिणी की प्राण प्रिया वंशी इस समय आचार्य वपु लेकर इस समय प्रत्यक्ष प्रकट होकर वृंदावन धाम में विराज रही है। श्री राधा के श्री चरणारविंद की कोई ऐसी अद्भुत माधुरी प्रवाहित कर दी है श्री महाप्रभु ने कि जिसमें 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 सब सब साधक सब सिद्ध सब सयाने अपने अपने धर्मों की मर्यादा को छोड़कर और श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद के उस दुर्लभ दुर्गम रस का पान कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत महिमा रसिकों के मुख से सुनी तो बोले हमें भी उनका दर्शन सुलभ है। बोले दर्शन तो सुलभ है लेकिन आपको वृंदावन आना होगा क्योंकि श्री महाप्रभु जी इस समय क्षेत्र संन्यास लेकर, क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है जब जब एक निश्चित सीमा में रहकर भजन किया जाता है, माने जब आप व्रत ले लेते हैं उस सीमा के अतिक्रमण को न करने का। तो श्री महाप्रभु व्रती है इस समय वृंदावन वास के, वो वृंदावन की उस नित्य निकुंज की सीमा से बाहर अपना पग नहीं धरते। आपको दर्शन तो सुलभ है, बोले वो प्रकट प्रेम मूर्त होकर आया है सबको सुलभ होने के लिए तो आया है। आज तक प्रेम की बात कही सुनी जाती थी, आज तक एक परिचय था राधा का क्या कि एक गोपांगना है जिसे कृष्ण प्रेम करते हैं या जो कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन महाप्रभु ने आकर बताया कि वस्तुतः श्री राधा का ऐश्वर्य क्या है, वस्तुतः श्री राधा का गौरव वो गरिमा वो मर्यादा उनका वो असमोर रूप उनकी वो अद्भुत रूप माधुरी वो सब क्या है, क्या रस वैभव है श्री राधा का, ये महाप्रभु ने आकर प्रकट किया है। तो आपको चलना होगा। संत कुछ दिन सत्संग लाभ देकर आगे बढ़ गए और इन दोनों भाइयों के मन में बड़ी चटपटी लगी कि चलें वृंदावन और श्री महाप्रभु जी का दर्शन कर लें, लेकिन विधि को कुछ और स्वीकार था। मैंने कहा ना महाप्रभु कह रहे हैं श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में, वृंदावन पहुंचना तो दूर आपका मन भी उस ओर नहीं जाएगा, देखने चले जाओगे कि चलो देखाते हैं, लेकिन वस्तुतः वृंदावन का तत्व क्या है, वस्तुतः वृंदावन का भाव स्तर क्या है, वस्तुतः किस भावना से वृंदावन में प्रवेश होना चाहिए, वस्तुतः किस भावना से वृंदावन का दर्शन सेवन होना चाहिए, ये तो श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नगम में श्री जी कृपा करती हैं क्योंकि वृंदावन की अधिष्ठात्री किशोरी जी हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री कृष्ण की कृपा से वृंदावन नहीं मिल सकता। गीता का जब उपदेश कर रहे थे ठाकुर जी तो अर्जुन से कहा, जब अर्जुन से अपने उस विशुद्ध स्वरूप का संकेत किया तो अर्जुन ने कहा बोले आप मुझे भी उसका दर्शन कराइए, तो ठाकुर जी ने कहा ये मेरे वश की बात नहीं है, उस वृंदावन में प्रवेश बोले ये मेरी कृपा से नहीं होता। उस वृंदावन की स्वामिनी तो श्री किशोरी जी हैं। सबै अंग गुणहीन हो ताको जतन न खोए और एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। और श्रीजी किसके अधीन है, श्रीजी अधीन है अपनी सखियों के। श्रीजी कृपा करती हैं तो श्रीजी के मन में कृपा करने की इच्छा भी हो, श्रीजी कृपा करना भी चाहें। एक जगन्नाथ भट्ट जी की बड़ी सुंदर कथा आती है, जयपुर के राज परिवार के दीवान थे, बड़े समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बड़े बुद्धिमान भी थे। पत्नी उनकी बड़ी अपरूप रूपवती थी, नाम था किशोरी और अपने पत्नी के रूप में अत्यंत आसक्त और पानी केरा बुदबुदा उर मानुष की जात, ज्वर हुआ और पत्नी परलोक से धार गई, उनका तो जैसे संसार समाप्त हो गया। मैं तो सदा कहता हूं कि आज आज जिसके संग आप भूल जाते हो सारी दुनिया, आज जो आपके इतने बड़े सुख का कारण है कल वही सबसे बड़ी पीड़ा का कारण भी बनेगा। ये प्रकृति का विधान है, नॉर्म ऑफ नेचर, कि लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछोड़े। जिस क्षण आपको कोई मिला है उसी क्षण उसका वियोग भी निश्चित हुआ है,
जिस क्षण वस्तु प्राप्त हुई है उसी क्षण से उसका क्षय आरंभ हुआ है। यही संसार का नियम है। चली गई पत्नी, तभी तो मैं कई बार कहता हूं कि अरे जिस वस्तु से प्रेम करते हो कभी उस वस्तु से भी पूछा कि वो भी आपसे प्रेम करती है या नहीं। जिस संसार की वस्तु को पाने के लिए आप इतना अमूल्य जीवन खोए चले जा रहे हो, कभी एकांत में उस वस्तु से पूछा है कि उसकी भी आप में कोई प्रीति है या नहीं। कल जब आप छोड़कर चल दोगे तो वस्तु आपका हाथ थामने आएगी या नहीं। पर यह सब कबूतर जैसे हैं, आंख बंद किया और बिल्ली भाग गई, और बिल्ली तो वहीं आसपास है। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे काल खड़े हो सर सांधे, बोले वो कमान पे तीर चढ़ाए खड़ा है, और आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, और को सिंहासन चढ़ चलो को बंध्यो जंजीर। चली गई पत्नी, उजड़ गई दुनिया, लुट गया संसार, पागलों कैसे डोलते हैं गलियों में, उन्मत्त हो गए, हा किशोरी हा किशोरी। अब भाग्य कह लें, पूर्व का पुण्य कह लें, या भगवान की कृपा कह लें, ऐसे गलियों में भटकते भटकते वो आ पहुंचे कहां, बरसाने की गली में। तभी तो मैं कहता हूं अरे भटकना तो आपके मेरे भाग्य में है, तो कम से कम वृंदावन की गलियों में तो भटक लीजिए। ना जाने किस मोड़ पे श्याम सुंदर मिल जा। बड़े विश्वास से कहा है ध्रुवदास जी ने वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्वार और कोटि जन्म के तम अगहीं काट करे उजियार। बोले वृंदावन का चिंतवन। एक एक बहन ने पूछा प्रश्न, बोले आप वृंदावन की ऐसी महिमा कहते हैं, न कर सके हम वृंदावन का वास, न जा सके वृंदावन तो क्या करें। तो मैंने कहा वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्वार, केवल वृंदावन का चिंतन। बोले इसके परिणाम से क्या होगा, बोले कोटि जन्म के तम अगही काट करें उजियार। वृंदावन की वो तरु लताएं, वृंदावन की वो कल्प द्रुम लता बेली वल्लरियां, वृंदावन की वो गलियां, वृंदावन की वो वीथियां, न न ध्यान में आए राधा वल्लभ कुंज बिहारी चिंता नहीं, हाँ लता लता सब कल्प तरु और पारिजात सब फूल। वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछु नाही, जहां रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक कही मान। केवल वृंदावन का चिंतन। तो बस भटकते भटकते पहुंच गए बरसाने की गली में, कुंज गली के किनारे बैठे, घुटने में अपना मुख दिए और हा किशोरी हा किशोरी, बड़ा करुण स्वर है करुणामयी के कान में पड़ा, ललिते ये ऐसे करुण स्वर सो मुकु कौन पुकार रहे हो। ललिता जी ने कहा प्यारी जो आप बड़ी भोरी हैं, जो कोई किशोरी कहे सो आप ही थोड़ी पुकार रहे हो, या ब्रज में क्या केवल आप ही किशोरी है, आप ही को नाम किशोरी है। तो प्रिया जी ने कहा ललिता भोरी मैं ना हूं, भूल तो तू कछु रही है, और वस्तुतः बात है भी यही, अगर नित्य किशोरी वास्तविक रूप में कोई है तो वो केवल हमारी श्री जी हैं। वृंदावन के संतों ने कहा है, एक तुम ही अचल सुहागन राधे, बाकी सब दो दिन की। अब आगे तो मैं नहीं बोल सकता, बाबा बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। बोले तू ही अचल सुहागन राधे और बाकी सब दो दिन की, जय जय श्री हरिवंश। तो ललिते भूल तो तू रही है, या ब्रज मंडल में तो एक मैं ही किशोरी हूं, और तू बस देख ऐसे करुण स्वर से मुकु कौन पुकार रहे हो है। इसीलिए ब्रज के रसिक संतों ने आश्रय लिया प्रिया जी के चरणों का। करुणा मई कृपा मई मेरी दया राधे। एक ठाकुर जी तो ऐसे जिनको उनके चाहने वाले कहते हैं जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर,
रोना धोना सिसकना और आहों की जागे। घनानंद कह रहे, अरे कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देव छटांक नहीं। बोले सब ले जाते हो, और जब प्रेम का उत्तर देने का समय आता है, एक किसी किसी आशिक ने कह दिया कि हमने दिल दिया था तुम्हें, नहीं मानते हमारी बात तो लाओ लौटा दो, और कैसा रूखा सा उत्तर तुमने दे दिया। बोले अरे जरा सी चीज थी, खुदा जाने कहां रख दी, तुम्हारा दिल ही तो था। बोले जरा सी चीज थी, अब जाने हमने कहां रख दी, और एक तुम्हारा ही दिल थोड़ी आता है हमारे पास, सुबह से शाम जाने कितने अपना दिल लिए आते, अब हम किस किस की संभाल करेंगे। तो एक तो ये है कि पुकारते पुकारते जीवन निकल जाता है, रोते रोते गाते गाते, और ठाकुर जी कभी स्वप्न में भी नहीं झलक दिखाते। और एक हमारी श्री जी हैं कि पुकारा नहीं उन्हें किसी ने, विगलित हो गया हृदय, जैसे जल से भरा मेघ होता है ना, बादल पानी से भरा हो, थोड़ी सी तपे धरती बरस पड़ता है, तभी तो हमारी श्री जी का नाम बरसाने वाली है। वो देती नहीं है, बरसाती है। योग्यता अयोग्यता का विचार किए बिना, पात्र और अपात्र का भेद किए बिना, श्री जी के महल के बाहर भंडार बंट रहा था, और दो दरिद्र दीनहीन खड़े हैं लेने नहीं जाते। किसी ने कहा अरे जाओ, बंट रहा है, स्वामिनी बांट रही है, क्यों नहीं जाते। बोले जाए कैसे, ये जब सब लोग खड़े हैं, खाली पात्र लिए खड़े हैं, इसीलिए तो भर रहे हैं। बोले हमारे पास तो पात्र भी नहीं है। बोले हमारे हाथ में तो पात्र भी नहीं, वस्तु सन्मुख है, पात्र नहीं है, ले कैसे। तो श्री जी ने कहा चिंता नहीं करो, निकट आओ, मैं पात्र भी प्रदान करूंगा। इसीलिए हमारी श्री जी का स्वरूप विलक्षण है, स्वभाव विलक्षण है, उनकी प्रीति विलक्षण है, उनकी प्रीति की रीति भी विलक्षण है। पुकारा नहीं, स्वामिनी ने पुकार स्वीकार कर ली। ललिते या कि करुण पुकार, मैं और अधिक ना सुन सकूं, तू बेग कर और मोए वाके निकट ले चल। लेकिन श्री जी स्वयं स्वतंत्र नहीं है उनके निकट जाने में, इसीलिए संतों ने एक अनुशासन बांधा है, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब यारस को किनका पाऊं। जैसे महारानी के महल में राजा को भी जाना हो ना, तो उसे एक पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अगर आप महल की रीति से परिचित हो, तो रानी के महल में यदि राजा भी जाए तो वो पहले पूर्व सूचना करेगा कि अमुक समय राजा पधारेंगे, और मंत्री प्रधानमंत्री के प्रवेश का तो प्रश्न ही नहीं है, जहां राजा को जाने के लिए सूचना करनी पड़ती है। लेकिन वहीं उस महारानी के महल में उस महारानी की कोई प्रिय दासी हो, उसे न किसी से अनुमति चाहिए और न किसी से आज्ञा, वो अपने लहंगा चुनरी की फाएं फाएं करती, जब चाहे जाए और जब चाहे आ जाए। ऐसे ही हमारी श्री किशोरी जी का निज महल है, ठाकुर जी को जाना हो तो उन्हें सूचना देनी पड़ती है, ठाकुर जी को जाना हो तो उन्हें सखियों से आज्ञा लेनी पड़ती है। यत् किंकिरीषु बहुशय खलु काकुमाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्ड मौले। और हमारी प्रिया जी की जो दासियां हैं, जो किंकरियां हैं, जो सहचरियां हैं, वो जब चाहे आए और जब चाहे चली जाए। तो श्री जी की जो कृपा है वो आधीन है उनकी सखियों के, उनकी सहचरियों। ललिता जी लेकर गई, श्री प्रिया जी ने दर्शन दे दिया, कृतार्थ कर दिया, और वो जगन्नाथ भट्ट जो हा किशोरी कहते जा पड़े थे बरसाना, करुणामयी की कृपा हुई और अली किशोरी नाम के ब्रज के ऐसे शिरोमणि संत हुए कि एक एक पद में, एक एक पद के एक एक शब्द में श्री प्रिया जी के चरणों का अद्भुत प्रेम रस छलकता है। करुणा करे वृषभानु दुलारी, करुणा करे श्री राधा प्यारी, रसिकन की सिरताज लाडली
अपनाए कीना। अच्छा, इस कथा से पहले हम कहां पर थे बताओ? एक व्यक्ति बताओ। सुनो, इसीलिए तो हम पूछ लेते हैं भाई कि हम खांसी फांसी सब झेल कर बोल रहे हैं और तुम पंजाबी भाग नहीं बैठे हो। वाह, इंटेलिजेंट आंसर एक्चुअली, इंडीड। हाँ बताओ कहां थे? गड़ाग्राम, वृंदावन की महिमा। और मैं ये निवेदन कर रहा था कि वृंदावन आने की इच्छा तो थी, लेकिन वृंदावनेश्वरी को कुछ और स्वीकार था, नहीं आ पाए, कुछ काल निकल गया। लगभग 6 मास का समय बीता होगा, वो संत लोग पुनः भ्रमण करते करते पहुंचे। उन्हीं दोनों भक्त भ्राताओं के घर उनका जाना हुआ, लेकिन आज प्रसन्न मन नहीं है, आज चित्त में वैसा उल्लास वैसा हर्ष नहीं है। दोनों भ्राताओं ने सेवा करने के बाद पूछा कि प्रभु, आज आपके इस मलिन मुख का, इस उद्विग्न चित्त का क्या कारण है? क्या यात्रा से इतने श्रमित हो गए? लाइए मैं आपकी चरण सेवा कर दूं, कहीं शरीर में कोई रोग तो नहीं, कोई व्याधि तो नहीं कि औषधि उपचार की व्यवस्था कराऊं? संतों ने कहा कि नहीं, वृंदावन का सौभाग्य सूर्य अस्त हो गया। दोनों भाइयों के हृदय में संकोच उद्वेग मूर्त होने लगा और संतों ने कह दिया कि श्री महाप्रभु जी अंतर्ध्यान हो गए। और रसिक संतों की वाणियां प्रमाण है कि जब श्री महाप्रभु जी अंतर्ध्यान हुए तो कितने रसिकों ने केवल ये बात श्रवण करके अपना शरीर छोड़ दिया, अपना देह त्याग कर दिया, केवल ये श्रवण करके कि महाप्रभु के श्री चरण अब इस धराधाम को और अलंकृत नहीं करेंगे। बड़ा अद्भुत और बड़ा विलक्षण व्यक्तित्व रहा महाप्रभु का, जब महाप्रभु मूर्त होकर आए। कभी श्री जी ने संयोग बनाया तो महाप्रभु के स्वरूप पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी, पर इसी बात से केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार रसिकों के प्राण बसते थे श्री महाप्रभु जी के दर्शन में, श्री महाप्रभु जी के सामीप्य और सानिध्य में। महाप्रभु जी अंतर्ध्यान हो गए और हम केवल विचार ही करते रहे कि आज और कल जाना होगा, ऐसे बंधे रहे संसार के इस बंधन में कि अपनी इन आंखों से महाप्रभु का दर्शन भी न कर पाए। तो जैसा मैंने बताया, दो भैया, एक दामोदर दास और एक चतुर्भुज दास। जो चतुर्भुज दास जी जो थे वो शास्त्रों के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। संतों से पूछा तो महाप्रभु के स्थान को कौन शोभायमान कर रहा है, तो संतों ने कहा कि महाप्रभु के जो बड़े पुत्र हैं वो महाप्रभु के उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य पीठ को सुशोभित कर रहे हैं। तो चतुर्भुज दास जी को थोड़ा सा धीरज आया, तो बोले, गुरु का पुत्र, गुरु का आत्मज भी गुरु स्वरूप ही होता है और वो इस समय आचार्य पीठ पर विराजमान है, तो हम जाकर उन्हीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन दामोदर दास जी ने कहा नहीं, बोले, मेरा उद्देश्य मंत्र नहीं है, मेरा उद्देश्य महाप्रभु के चरण कमल है। देखो बात बड़ी सूक्ष्म है, मैं कई बार कहता हूं कि प्रेम में कोई विकल्प नहीं होता, प्रेम का कोई कारण नहीं होता। देर इज एनी नो रीजन बिहाइंड लव, एंड इफ देर इज अ रीजन, इवन देर इज अ जेन्युइन रीजन, अ जस्टिफाइड रीजन, देन दिस इज नॉट लव। द फिनोमिना इज नॉट लव बिकॉज देर इज अ रीजन। प्रेम कभी कारण का अनुसरण अनुगमन नहीं करता। सेवक जी ने बड़ी विलक्षण विचित्र बात की, बोले, मेरा मेरा